चलो बेटा, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे, जरा बताइएगा, 5 नंबर पे क्या होता है? 7 पे? जी। 9 पे? हाँ। 11 पे? जी। 13 पे? जी। 15 पे? ओ। 19 पे? यस। 21 पे? यू। 25 पे? वाई। 9 पे? आई। 5 पे? जी। 2 पे? आई। बी। 2 नंबर की बात चल रही बेटा, 2 पे? बी। 4 पे? 8 पे? 12 पे? 16 पे? पी। 20 पे? टी। 25 पे? 26 पे? 5 पे? 9 पे? 7 पे? 6 पे? 11 पे? 16 पे? 15 पे? 19 पे? 18 पे? 21 पे? 26 पे? बी का उल्टा क्या है? W का उल्टा? Z का उल्टा? X का उल्टा? H का उल्टा? K का उल्टा? P का उल्टा? V का उल्टा? V वाला V क्या? A। चलो ये चीज याद कर लिया आपने बेटा, आगे प्रैक्टिस करना। देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन मैं कल दे चुका हूँ, करा चुका हूँ, यहाँ से करते हैं बेटा। देखिएगा, किसी निश्चित कोड भाषा में HAMMER हैमर को ICPQJX के रूप में लिखा जाता है, तो WRENCH को समान कोड भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा? ध्यान रहे, सबसे पहली बात ये कि सर हमें लेटर कितने दिए गए हैं, तो आप बोलोगे सर हमें लेटर दिए गए 6, और यहाँ उसको बेटा कोड के रूप में भी 6 लेटर ही दिए गए हैं, तो ध्यान रहे क्या वही 6 लेटर हमको उधर दिख रहे हैं क्या? तो आप बोलोगे सर नहीं, पूरे चेंज हो चुके हैं। तो चेंज हो चुके हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा बेटा, इनके माथे बांधना अपने को। तो बताओ बेटा क्या लिख दूं यहाँ पर? 8, यहाँ पर 1, 13, 13, 5, 18। यहाँ क्या लिखते हैं सर? 9, 3, 16, 17, 10 और कितने 24। तो देखो बेटा क्या हो रहा है सर, 8 से बढ़ रहा है 9, मतलब क्या हो रहा है बेटा? +1। 1 से बढ़ रहा है सर कितना? 3, तो मतलब क्या हो रहा है? +2। 13 से बढ़ रहा है बेटा कितना? 16, तो कितना हो रहा है बेटा? +3। और फिर अगले 13 से बढ़ रहा है कितना? 17, मतलब कितना हो रहा है बेटा? +4, मतलब क्या हो रहा है सर? +1, +2, +3, +4, +5, +6, मतलब हर कंडीशन में एक एक क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। क्या लिखा है बेटा अपना यहाँ पर? अपने यहाँ पर लिखा बेटा क्या सर? W, क्या लिखा है? WRENCH। बताओ क्या लिखते हैं यहाँ पर? 23, 18, 5, 14, 3, 8। तो यहाँ जोड़ दीजिए +1, तो 23 और 1 होगा कितना? 24। और 24 पे क्या आता है बेटा? X। तो देखो चारों ऑप्शन में X है। फिर यहाँ जोड़ेंगे बेटा क्या? 2, तो कितना हो जाएगा? 20। और 20 पे क्या होता है सर? T। तो देखो T भी चारों ऑप्शन में है। क्लियर है? फिर आगे बढ़े, यहाँ जोड़ेंगे सर 3, तो 5 और 3 होता है 8, और 8 पे आता है क्या बेटा? H। तो देखो H कहाँ दिख रहा है? तो सर ये 2 तो हमारे क्या हो गए? बाहर हो गए। अब केवल इन 2 में देखना है। क्लियर है क्या बेटा? फिर आगे बढ़े सर, 14 में हम जोड़ दे कितने? 4, तो बताओ कितना जाएगा? 18। और 18 पे क्या होता है बेटा? R, तो R भी बेटा यहाँ दोनों में है। फिर इसमें कितने जोड़ेंगे सर हम? 5, तो 5 और 3 होगा 8, 8 पे होगा H, और हमारा आंसर क्या होगा? D। बोलो क्लियर है क्या? चलिए अगला करिए ये वाला।
आया क्या आंसर? नहीं आ रहा है, ए वाला। देखिएगा सर, जो छह लेटर दिख रहे हैं सामने, क्या वही छह लेटर नीचे है क्या? तो आप बोलोगे नहीं है, तो पहला काम क्या सर, इनके सिर बांध दीजिए, इनके माथे बांध दीजिए। तो इनके माथे लिख दीजिए बेटा, क्या लिखते हैं सर? 16, क्या लिखते हैं यहाँ पर? 25, यहाँ लिखते हैं 20, 8, 15, और क्या लिखते हैं बेटा? 14। क्लियर है क्या? ये बोलना मुझे नहीं है, आपको ही बोलना है। ये बोलोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, इस तरह से बैठ जाएगा कि कभी भूलोगे नहीं और ना कभी रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। बात समझ गए? फिर यहाँ क्या लिखते हैं सर? 12, यहाँ क्या लिखते हैं? 13, यहाँ 6, यहाँ 18, यहाँ पर 23 और यहाँ पर 14। चलिए देखिए क्या हो रहा है। तो देख रहे हैं सर, यहाँ सर 16 में क्या हो रहा है सर? माइनस कितना हो रहा है बेटा? आप बोलोगे सर माइनस 7, यही हो रहा है। फिर इसके बाद आगे बढ़े सर, 25 से कितना माइनस कर दे कि 13 आ जाए? तो बेटा यहाँ माइनस कर रहे हैं सर 2, और यहाँ माइनस 1 कर रहे हैं, तो कितना माइनस हो रहा है सर? 12। फिर आगे बढ़े, एक और देख लो बस सर, 20 में क्या घटाएं कि 6 आ जाए? तो आप बोलोगे 14। तो ये क्या सीरीज सही चल रही है क्या? नहीं सर, ये कुछ तो भी चल रही है, यहाँ पर कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। उसका मन हुआ 4 माइनस कर दिया, फिर उसका मन हुआ कितने माइनस कर दिया उसने सर? 12 माइनस कर दिए, फिर उसका मन हुआ 14 माइनस कर दिया। तो ये सीरीज प्रॉपर रूप से चल नहीं रही है। तो देखिएगा बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं सर, कुछ और तरीका देखते हैं। कुछ और तरीके में क्या दिख रहा है बेटा कि सर हम पीछे से जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं सर? 14 से यहाँ पर आ गया कितने पे? 12 पे। तो क्या इस पे माइनस 2 आ गया? फिर यहाँ 15 से क्या हो रहा है बेटा, कितने पे आ गया? 15 से 13 पे। तो 15 से 13 कब आएगा? जब माइनस 2 करोगे। बोलो क्लियर है क्या? फिर आगे बढ़ रहे हैं सर, 8 से क्या हो गया? 6 हो गया। 20 से 18 हो गया। 25 से 23 हो गया। 16 से कितना हो गया? 14 हो गया। तो मतलब ये क्या हो रहा है सर? माइनस 2 हो रहा है, वो भी कहाँ से? पीछे से। तो बेटा सेम कंडीशन इसमें रखनी है। बताओ यहाँ क्या लिखते हैं? क्या लिख दूं सर? 11, 11 पे आता है के, यहाँ 2 माइनस करो 6, 6 पे आता है एफ, 2 माइनस करो 18, 18 पे आता है आर, 23 पे आता है क्या बेटा? डब्ल्यू, और यहाँ 8 में से 2 गया 6 पे आता है बेटा एफ, और 18 में से 2 गया 16 पे आता है क्या बेटा पी। तो ये देखो, ये जहाँ होगा इसका आंसर वही होगा, तो पहला ही ऑप्शन है बेटा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला करके बताइए। ये सब किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। पेजर, रीजनिंग को बेटा हल्के में मत लेना, ये आसान जरूर है पर प्रैक्टिस मांगता है। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहां रीजनिंग में भी नंबर गवा दोगे। ऑप्शन गलत है क्या? नहीं आ रहा क्या? एक का भी आंसर नहीं आया बेटा। केवल एक ही का आंसर आया अभी तक, और किसी का आंसर आया क्या? चलो देखिएगा, समझना यहाँ, समझना बेटा। सर यहाँ अपन सबसे पहले क्या कर दें, इनके नंबर लिख दें। तो बताओ यहाँ क्या आएगा बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वाह, बहुत शानदार, याद हो गया मतलब तुम्हारे को। क्या कर रहा है बेटा सर? 16 से कितना हो गया? 13 हो गया। तो क्या माइनस 3 हो गया क्या?
एक से नौ हो गया बेटा, मतलब क्या हो रहा प्लस आठ। फिर आगे बढ़ रहे हैं सर, यहां क्या हो रहा है बेटा, सात से कितना हो रहा है चार, तो क्या माइनस तीन हो रहा है। फिर यहां पांच से कितना हो रहा है बेटा, पंद्रह हो रहा है, तो क्या प्लस दस हो रहा है क्या। फिर यहां बेटा क्या करा आपने, यहां भी क्या कर दिया, अठारह में से तीन कर दिया माइनस, तो पंद्रह। तो सर एक चेन तो हमको समझ में आ रही है, कौन सी वाली बेटा। सर एक वाली समझ, एक हमारे को आ रही है कि सर ये माइनस तीन हो रहा है, एक एक को छोड़ के कितना हो रहा है बेटा माइनस तीन, कितना हो रहा है बेटा माइनस तीन, एक एक को छोड़कर हो रहा है। या फिर अगर कह दिया जाए आसान भाषा में, अगर आपको ए बी सी डी याद है तो उस भाषा में कह दिया जाए, तो बेटा ये जो देख रहे हो ना, ये क्या है। अगर ए बी सी डी में अपन बात करें तो क्या है, ये वोवेल है, स्वर जिसको बोलते हैं। क्या है बेटा स्वर, मतलब कौन से, ए ई आई ओ और यू, तो ये क्या है बेटा स्वर है। तो स्वर में देखो बेटा, यहाँ कुछ तो भी परिवर्तन हो रहा है, पर जितने भी व्यंजन हैं उसमें क्या हो रहा है सर, माइनस तीन हो रहा है। क्लियर है क्या। तो सर हम व्यंजन व्यंजन के साथ खिलवाड़ करेंगे, बाकी स्वर को हम होल्ड कर देंगे। तो स्वर को हम होल्ड कर रहे हैं बेटा, बाकी बच्चा क्या आपका व्यंजन। तो जरा इनके नंबर तो बोल दो बेटा, क्या लिख दूं मैं। यहाँ क्या आएगा एक, और यहाँ आएगा बेटा पांच। तो क्या सर चौदह में से मैं कितने घटा दूं, आप बोलोगे तीन घटा देता हूँ। चौदह में से तीन घटा दूं तो क्या आएगा बेटा, तो आप बोलोगे ग्यारह, और ग्यारह पे क्या होता है बेटा के। क्लियर है क्या बेटा। सात में से कितने घटा दूं, तीन, सात में से तीन घटा दूंगा तो क्या आएगा बेटा चार, और चार पे क्या होता है बेटा डी। इधर बारह में से कितने घटा दूं बेटा, तीन, तो तीन घटा देंगे तो कितने बचेंगे, और नौ, नौ पे क्या आता है बेटा आई। तो देखो के डी आई कहीं दिख रहा है क्या, तो सिर्फ पहले ऑप्शन में। पर ध्यान रहे यहाँ इसके भी तो कोई ना कोई कोड होंगे, तो जो देख रहे हो बेटा वो सेटिस्फाई है या नहीं। ए को क्या लिख रहा है सर आई, ए को क्या लिख रहा है आई, और ई को क्या लिख रहा है वो ओ। तो सर यहाँ देखना, आई और ओ, आई और ओ में कोई लॉजिक नहीं है, जो पहले वाले आई के साथ ओ था, सॉरी ए के साथ आई था, वही सर दूसरे वाले ए के साथ भी क्या है आई है, जो पहले वाले ई के साथ ओ था वही दूसरे में भी ई के साथ क्या है ओ है। मतलब इसने कोई परिवर्तन नहीं किया है, किसके साथ, स्वर के साथ, वोवेल के साथ, पर परिवर्तन हुआ किसके साथ है बेटा, व्यंजन के साथ। क्लियर है। कितने कितने माइनस हो रहे हैं सर यहाँ से, सर माइनस तीन, माइनस तीन, और माइनस तीन। तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा, आई के डी ओ आई, 2020 के क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं आ रहा है क्या, बहुत देर लग रही बेटा। क्या आएगा बेटा सी वाला। देखते हैं सर, इनके माथे मान लीजिए, क्या लिख दें यहाँ पर। अरे बेटा बोलो, मुझे तो याद है, क्या आएगा यहाँ पर, एक, ये जो YouTube देख रहा है ना बेटा, YouTube से जो पढ़ रहा है वो भी बोलेंगे, ठीक है ना। अगर तुम नहीं बोलोगे तो फिर वो भी नहीं बोलेंगे। चलो देखो बेटा क्या हो रहा है सर, तेरह से कितना हो रहा है, नौ हो रहा है, कितना हो रहा है बेटा, नौ हो रहा है। तो बेटा तेरह में क्या घटा दे कि नौ आ जाए, तो आप बोलोगे सर चार घटा दीजिए। फिर एक में क्या घटा दे कि अट्ठारह आ जाए, कोई बात नहीं, इसको भी होल्ड कर दो,
18 में क्या घटा देंगे सर, 13 आ जाए, तो आप क्या घटाओगे बेटा, 5। फिर 9 में क्या घटा देंगे, 22 आ जाए, इसको भी होल्ड करो। 14 में क्या घटा दें बेटा कि 5 आ जाए, तो 14 में से बेटा घटाएंगे क्या आप, 5 आ जाए तो 9। तो क्या ये सीक्वेंस से चेंज चल रही है क्या, ये नहीं चल रही बेटा, ये नहीं चल रही है, कुछ और लॉजिक चलेगा। तो कुछ और लॉजिक देखते हैं बेटा, कुछ और लॉजिक देखते हैं बेटा, देखते हैं क्या सर प्लस 4 इधर से नहीं हो रहा है क्या। आप बोलोगे सर 5 और 4 कितना हो रहा है, 9, कितना हो रहा है बेटा प्लस 4, आ जाइए कितना हो रहा है बेटा प्लस 4। तो क्या प्लस 4 पीछे से नहीं हो रहा है, 14 और 4 कितना हो गया बेटा 18, 9 और 4 कितना हो गया 13, 18 और 4 22, 1 और 4 5, 13 और 4 17। तो यहाँ भी सर क्या आएगा, सर सब में क्या हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। तो बताओ वाई कितने नंबर पे है सर, 25 पे, एक जोड़ोगे तो क्या आएगा 26, मतलब जेड, और 26 के बाद 3 जोड़ देंगे तो सर ए बी सी कितना जाएगा बेटा सी। फिर टी कितने नंबर पे है, 20, 20 में 4 जोड़ा 24, 24 पे क्या होता है एक्स, ये कितने नंबर पे 21, 21 में 4 जोड़ा 25, 25 पे क्या होता है वाई, ये एक पे है, 4 जोड़ा तो क्या आएगा 5, 5 पे क्या होता है ई, ये 5 है, इसमें 4 जोड़ा तो 9, 9 पे क्या होता है बेटा आई, ये एक है, इसमें आप 4 जोड़ोगे सॉरी 2 है, ये 2 है, 4 जोड़ोगे तो कितना आएगा 6, 6 पे क्या आएगा बेटा एफ। तो आंसर हमारा क्या आएगा बेटा सी एक्स वाई ई आई एफ सी वाला आंसर होगा बेटा। चलिए ये वाला करिए जल्दी से, क्या आएगा बेटा ए। चलो देखिए बेटा, सर क्या कर दे इनके माथे बांध दीजिए, क्या लिख दे यहां पर, अरे यहाँ क्या लिख दूं मैं, 10, 1, 3, 11, 5, 20, 2, 12, 17, 8, 5 और 13। प्लस 3 हो रहा है क्या, देखो बेटा 10 में अपन ने क्या जोड़ा है कि 13 आ जाए, तो आप बोलोगे प्लस 3, 1 में क्या जोड़ोगे तो 5 आ जाए बेटा प्लस 4, इसमें जोड़ोगे 5, फिर इधर आएगा 6, इधर आएगा 7, इधर आएगा 8। तो सर यहाँ पर आपको क्या करना है, सीक्वेंस से जुड़ना है केवल, कुछ नहीं है बेटा, ये आराम से हलवा क्वेश्चन था। सर ये कितने नंबर पे, 2, 12, 1, 26, 5, 18, कितने जोड़ दें 3, कितना आ जाएगा 2 और 3 5, 5 पे क्या होता है बेटा ई, ए और बी ऑप्शन है, देखते हैं बेटा 12 में कितने जोड़ दें बेटा 4, तो 12 और 4 16, 16 पे क्या आएगा पी, ए ऑप्शन आ गया बेटा, क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला करिए, सर ये 20 से 2 कैसे आया, 20 में आप क्या जोड़ोगे, आप 8 जोड़ोगे, कितने जोड़ोगे 8, 20 पे क्या होता है बेटा टी, अगर 20 में मैं 6 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा सर 26, और 26 पे क्या जाएगा सर जेड, कितने जोड़ना और बाकी है 2 जोड़ना और बाकी है, 26 के बाद अब आ जाएगा पहले नंबर पे ए और दूसरे नंबर पे बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां से नहीं आया वहीं से पूछ लेना बेटा, मैं सब बता दूंगा। Yeah.
क्या आएगा? सी वाला क्या आया बेटा? डब्ल्यू आई सी ई, क्या लिख दें सर? एक्स जी एफ ए, क्या लिखना है बेटा अपने को? डब्ल्यू ई डबल एल, क्या कर दें सर? इनके माथे बांध दीजिए, क्या लिख दें सर? 23 और कितना आएगा बेटा? 24। बाकी तो केवल भीड़ का हिस्सा बनने आए हैं, केवल दो तीन तो पढ़ना है, बाकी तो केवल सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनने आए हैं। फिर जरूरी भी है इनका होना, सभी अगर सिलेक्शन हो जाएंगे तो बेटा फिर कोचिंग संस्थान कैसे चलेंगे? बात ये भी तो है, जब मैं बोल रहा हूँ कि बार बार बोलोगे तो ही याद होगा, तुम सुमड़े सरे के बैठे रहोगे और कोई दूसरा बोलेगा और सुनोगे तो याद हो जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा बेटा। आपको 26 के 26 लेटर बोलना पड़ेंगे बार बार, तो आप एक बार में बिल्कुल क्लिक कर दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, क्या हो रहा है? 23 में सर प्लस 1 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 24। ठीक है, 9 में क्या कर रहे हैं सर? माइनस 2 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 7। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? प्लस 3 कर रहे हैं तो 6, तो यहाँ माइनस 4 होगा। मतलब एक प्लस और एक माइनस पर क्या हो रहा है? ये बढ़ते क्रम में हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? बढ़ते क्रम में। तो बताओ बेटा यहाँ नंबर क्या आ जाएंगे? 12 12। तो बेटा यहाँ कितना जोड़ दें सर? 1। तो बताओ क्या आएगा? 24। 24 पे क्या होता है? एक्स। यहाँ क्या कर देंगे? 2 माइनस कर देंगे। 3। 3 पे क्या आता है? सी। यहाँ 3 जोड़ देंगे, क्या आएगा? 15। 15 पे क्या आता है? ओ। यहाँ 4 घटा देंगे, क्या आएगा? 8। 8 पे आता है एच। तो क्या आएगा बेटा? एक्स सी ओ एच, सी आंसर आएगा बेटा इसका। आगे बढ़ते हैं। बताइए पहला, चलो देखते हैं बेटा नंबर देखो क्या आएगा। बताओ जरा यहाँ क्या आएगा? चल इधर भी हाथों हाथ बनाई दो बेटा नंबर क्या आएगा? चलो देखते हैं बेटा क्या हो रहा है सर। 13 से सीधा 20 हो रहा है, तो प्लस 7 कर दें क्या? एक बार देख लेते हैं प्लस वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो क्या कर दें सर? प्लस 7। फिर यहाँ क्या हो रहा है बेटा? प्लस 7। फिर यहाँ क्या हो रहा है बेटा? प्लस 7। यहाँ क्या? प्लस 7। प्लस 4। यहाँ क्या बेटा? प्लस 7। क्या हो रहा है? प्लस 4। कोई दिक्कत नहीं, प्लस 4 प्लस 7 की चेन चल रही है। तो पहले 7 जोड़ देंगे तो 7 4 11 11 पे क्या आता है सर? के। फिर 4 जोड़ेंगे तो 25। 25 पे क्या आता है बेटा? वाई। फिर आप जोड़ दोगे कितना सर? 7 जोड़ देंगे तो क्या आएगा बेटा? कितना आएगा बेटा? 25। 25 पे क्या होता है सर? वाई। तो देखो के वाई वाई एक ही ऑप्शन है, और कौन सा है? पहला वाला। क्लियर है? ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला करो बेटा। डी
नहीं आ रहा है। चलो देखो बेटा जल्दी से ऊपर देख लो जल्दी से, क्या नंबर लिख लें सर? सर 3, 1, 13, 16, 8, 15, 18, 23, 14, 7, 15, 12, 26, 8। इधर बता दो बेटा 14, 1, 20, 9 कितना? 15, 14, 1, 12। चलो देखते हैं बेटा क्या ऐड हो रहा है। सर सी में मतलब 3 में क्या जोड़ा अपन ने? 8 आ जाए तो आप बोलोगे सर +5। इधर क्या हो रहा है? -1। फिर इधर क्या हो रहा है? -1, -1, -1, -1 और इधर हो रहा है +5। कुछ नहीं बेटा, पहले चरण चरण और अंतिम चरण में क्या हो रहा है? 5 प्लस हो रहा है और बाकी सब में क्या हो रहा है? -1, -1 हो रहा है। तो बेटा इसमें 5 जोड़ दो तो 14 और 5, 19। 19 पे क्या होता है बेटा? S। फिर इधर L, यहाँ 5 जोड़ दें तो 12 और 5, 17। 17 पे क्या आता है बेटा? Q। तो देखो S और Q क्या है बेटा? केवल D ऑप्शन है, ध्यान रहे। वो तो मेरा ध्यान नहीं गया, नहीं तो मैं ऑप्शन बदल देता है। तो ऐसे किसी मैंने जो एग्जाम में आया वो दे दिए मैंने। तो यहाँ पर बेटा सब में एस और क्यू देता, सब में एस और क्यू देता, सब में एस और क्यू देता, और बीच में मैं कभी 1 - 1 जोड़ देता। तो इसलिए ध्यान रखना बेटा, यहाँ एस और क्यू पे मत चलना, थोड़ा सा देखते भी रहना बीच बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला करिए। चलो देखते हैं बेटा, नंबर बांधो बेटा इनके माथे, बांधो इनके। क्या लिखा नंबर? क्या लिखते हैं? क्या लिखे? 19, 20, 18, 1, 9, 7, 8, 20। यहाँ क्या आएगा बेटा? 8, 20, 9, 7, 18, 1, 19 और 20। बेटा बहुत ही हलवा क्वेश्चन है ये, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है बेटा। जो लेटर ऊपर लिखे वही के वही नीचे लिखे हुए हैं। सर ये क्या हो रहा है बेटा? क्रॉस में जा रहा है। इधर देखो ये इधर, ये इधर, यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये टी यहाँ पर और एच यहाँ पर। तो सीधा सीधा इसको लिख दो एच, इसको लिख दो टी, एच और टी। सर ये रहा तीसरे और चौथे में। फिर आगे बढ़ना बेटा आर और यू। फिर आगे लिखना डी और एस। फिर लिखना क्या? वाई और ए। तो आंसर क्या आएगा बेटा? सी वाला। ठीक है, आंसर क्या आएगा सर? सी वाला। चलिए ये वाला करिए। चलो देखो बेटा यहाँ क्या लिख दें सर? 16, 1, 9, 14, 20, 19, 22, 21, 11, 16, 18 और 3। ये भी वही वाला केस है बेटा। सर 1 में 2 जोड़ो तो 3 आ रहा है और 16 में 2 जोड़ो तो कितना आ रहा है? 18 आ रहा है। इधर 14 में 2 जोड़ो तो कितना आ रहा है? 16। और इधर 9 में 2 जोड़ो तो कितना आ रहा है बेटा? 11।
19 में दो जोड़ेंगे तो 21 और 20 में दो जोड़ेंगे तो 22। दो जोड़कर बेटा क्या हो रहा है बेटा, ये दो जोड़कर क्या हो रहा है, जैमलिंग हो रहा है, यहाँ से उठ के इधर उधर जा रहे हैं। तो बेटा पी कितने नंबर पे है सर, 16 21 18 9 20 25। 16 में दो जोड़े 18, 18 पे क्या आता है आर, 21 में दो जोड़े कितना आएगा बेटा 23, 23 पे क्या आएगा सर डब्ल्यू, सर 18 में दो जोड़े 20, 20 पे क्या आएगा टी, 9 में दो जोड़े 11, 11 पे क्या आएगा के, डब्ल्यू आर के टी। कहाँ दिख रहा है बेटा, पहले वाले में दिख रहा है, इसको और आगे सोल्व करना है तो कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला करिए। चलो देखते हैं बेटा क्या आ रहा है, ए आ रहा है, सी आ रहा है, क्या लिखते हैं बेटा, 3 12 15 20 8, 12 3 16 8 20। केवल यही नंबर नहीं है बेटा, केवल 16 नंबर ही नहीं है ऊपर, बाकी सारे नंबर ऊपर दिख रहे हैं बेटा। देखो आप, 12 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 8 भी दिख रहा है और 20 भी दिख रहा है। क्लियर है क्या बेटा? तो सर क्या कर रहे हैं, ये आ गया आपका 12, ये आ गया आपका 3, ये आ गया आपका बेटा 20, ये आपका आ गया 8। तो बेटा यहाँ क्या है सर, केवल प्लस 1 होके लिख रहा है, क्या लिख रहा है बेटा, प्लस 1। तो यहाँ भी देखो बेटा क्या आ सकता है सर, यहाँ आ रहा है बेटा क्या आपका ए, इधर 3 देखते ना बेटा, यहाँ लिख देंगे सर हम ए, तो यहाँ लिख देंगे हम सब क्या जी, तो एक प्लस करके लिख दो बेटा, तो आर में एक प्लस करा तो क्या आ जाएगा एस, क्या ए जी एस दिख रहा है क्या कहीं? तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, फेल है। यार ध्यान रखना, जरूरी नहीं है बेटा कि अपना दिमाग लगाओ, तो यहाँ ये वाला दिमाग लगा लेना, कभी ये वाला ऑप्शन होगा तो पहले प्रायोरिटी इसकी होगी, क्योंकि ये सर इसी के रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये तो है नहीं बेटा। अब क्या करते हैं सर, 3-3 का देख लेते हैं, किसका देख लेते हैं बेटा, 3-3 का देख लेते हैं। तो 3-3 में देखेंगे तो ये कहाँ जाएगा बेटा, आर यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा ए, और यहाँ क्या आ जाएगा जी, फिर यहाँ क्या आ जाएगा टी, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा एन, और यहाँ क्या आ जाएगा ई। एम में एक प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा सर एन, यहाँ होगा बेटा प्लस 1, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, और ये यहीं पर ही है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये यहीं पर ही है। तो सर देखिएगा कौन सा ऑप्शन आ रहा है, आप बोलोगे सर सी। चलिए नेक्स्ट वाला करिए। चलो देखिएगा सर क्या लिखते हैं यहाँ पर, 13 5 14 20 9 15 14। क्या चल रहा सर, सीक्वेंस से चल रहा है क्या कुछ? सर 13 में जोड़ रहे हैं हम कितना, प्लस 1, कितना हो रहा है 14। फिर इसमें क्या आ गया बेटा, सेम कॉन्सेप्ट वही आ गया, ये चेंज होने चल रहे बेटा। चलो देखते हैं बेटा, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर एन में क्या जोड़ा, अरे एन में क्या जोड़े कि अपन 14, तो एन तो यही लिखा बेटा, ये लिखा एन, ये लिखा सर एन, ये लिखा आई, और ये लिखा टी।
बोलो दिख रहा है क्या? अरे दिख रहा है क्या? फिर आगे बढ़ रहे हैं सर, आपका सेम कंडीशन वही 14 में क्या कर दिया बेटा सर, माइनस कर दिया तो माइनस वन कर दिया तो क्या गया 13। अब सेम कंडीशन इसमें कर दीजिए सर, यहाँ पी में एक जोड़ दीजिए, पी कितने नंबर पे 16, 1, 20, 20, 5, 18 और 14, तो सर एक जोड़ देंगे तो 17 पे क्या आ जाएगा क्यू। अरे कोई बात नहीं बेटा, अपन इससे देख लेते हैं, हो सकता है मिस्टेक हो गई हो। यहाँ अपन क्या करते हैं सर, एक माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा बेटा 13, 13 पे क्या होता है m, ये ऑप्शन में नहीं, ये ऑप्शन में नहीं है। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट तो अपना क्या हो गया बेटा फेल, बात समझ गया क्या? अब इसी के अंदर एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी देखो बेटा सर, क्या ये m, ये क्या लास्ट में लिख रहा है क्या? ये m कहाँ लिख रहा है सर? ये लास्ट में लिख रहा है। ये वाला m कहाँ जा रहा है बेटा? ये वाला m जा रहा है सर लास्ट में, और ये वाला n कहाँ जा रहा है सर? स्टार्टिंग में। तो शायद हो सकता है ये ऑप्शन में मिल जाए, तो देखते हैं बेटा ये वाला ऑप्शन में मिलता है या नहीं मिलता है। तो देखिएगा बेटा सर, यहाँ क्या है सर, ये वाला जो n है ये कहाँ जा रहा है सर? ये आ जाएगा फर्स्ट में, कहाँ जाएगा बेटा फर्स्ट में, और ये वाला कहाँ जाएगा लास्ट में। तो n और p से काम हो गया सर, क्या आ गया बी ऑप्शन। क्लियर है क्या बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ भी आप कर सकते हो सर, ए क्या रहेगा सर, यही रहेगा, और ये टी आ जाएगा सर यहाँ पर, ये ई आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा टी, और आपका आर यही रहेगा। क्लियर है बेटा? चलिए ये वाला करके बताइए। अमरुद, चलो देखिएगा बेटा, समझना सर, इधर देख लो बेटा अच्छे से, क्या बोला है सर? वो सेब को, वो पागल है, वो क्या है सर? वो पागल है थोड़ा सा, वो सेब को क्या बोलता है? नाशपति। क्या बोलता है बेटा? नाशपति। सर वास्तविक रूप में है क्या सेब? सर वास्तविक रूप से है वो सेब, पर उसको वो क्या बोलता है? नाशपति। फिर आगे बढ़ रहे हैं सर, वो नाशपति को क्या बोलता है बेटा? नाशपति को बोलता है संतरा। क्या बोलता है बेटा? संतरा। और संतरे को क्या बोल रहा है? संतरे को बोलता है बेटा अमरूद। और आगे अमरूद को क्या बोल रहा है बेटा? खरबूज। अमरूद को क्या बोल रहा है वो? खरबूज। तो अमरूद को बोलता है बेटा यहाँ खरबूज। और पूछा क्या है कि निम्न में से कौन खट्टा फल है? तो बेटा मेरी बात सुन लो अच्छे से, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान रखना, यहाँ कौन सी चीजें आएगी जो आपकी वास्तविक होगी? कौन सी होगी सर? वास्तविक। और यहाँ कौन सी आएगी जो वो बोल रहा है, वो समझ रहा है, वो जो आपको उल्लू बना रहा है, वो वाली चीजें आएगी। क्लियर है बेटा? तो वास्तविक रूप से सर खट्टा फल क्या है? तो आप बोलोगे वास्तविक रूप से खट्टा फल क्या है? संतरा। पर वो संतरे की उसको पहचान करवाना, तो अपन क्या बोलेंगे सर? अमरूद। अगर उसको संतरा दे देंगे तो वो ये नहीं बोलेगा कि मेरे को संतरा दे दिया, वो क्या बोला? अरे ये तो अमरूद है। बात समझ गए क्या? तो सर आंसर हमारा क्या आएगा? अमरूद। चलिए इधर आ जाइए, ये वाला करिए। क्या बोला बेटा सर? गुलाबी को क्या बोलता है? लकड़ी। और लकड़ी को क्या बोलता है सर? लकड़ी को बोलता है वो क्या? कलम। और कलम को क्या बोल रहा है बेटा? कलम को बोल रहा है वो रंग। और रंग को क्या बोल रहा है? भूरा। रंग को क्या बोल रहा है बेटा? भूरा। और क्या बोलता है? किसका प्रयोग लिखने के लिए किया जाता है? तो बेटा यहाँ कौन सी चीजें है? यहाँ आएगी बेटा वास्तविक चीजें, और यहाँ जो आपको वो उल्लू बना रहा है। क्लियर है बेटा? तो यहाँ देखना बेटा, लिखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? कलम। तो वास्तविक रूप से अपन इस्तेमाल करते हैं बेटा कलम, और उसको दिखाने के लिए क्या बोलना पड़ेगा? रंग। उसको क्या बोलेंगे सर? तू रंग से लिख। तो वो क्या उठाएगा? वो कलम ही उठाएगा। चलिए ये वाला लास्ट क्वेश्चन। देखो बेटा सर, रेलगाड़ी को बस, बस को ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को कार, और कार को स्कूटर, स्कूटर को साइकिल, साइकिल को मोपेड कहा जाता है। ठीक है, जो पहले पहले वाली चीजें है बताओ वो कौन सी चीजें है? तो आप क्या बोलोगे सर? ये वास्तविक चीजें। कौन सी है सर? वास्तविक। ये कौन सी है सर? वास्तविक। ये वास्तविक।
ये आपकी कार वास्तविक, स्कूटर वास्तविक और साइकिल वास्तविक, बोलो क्लियर है क्या? ये सब कौन सी चीजें वास्तविक, और उसका थोड़ा सा मेंटल डिस्टर्ब हो गया है, तो वो क्या है, उसको रेलगाड़ी दिखती तो चिल्ला चिल्ला के बोलता बस आ गई बस आ गई बस आ गई, बस समझ गए क्या? अगर वो बस को देख लेता तो बोलता ट्रैक्टर आ गया ट्रैक्टर आ गया ट्रैक्टर आ गया, बात क्लियर है क्या? तो अपने को उसकी लैंग्वेज में ही समझाना है, अपने को अपनी लैंग्वेज में नहीं समझाना, नहीं तो तुम देने जाओ दो तीन थप्पड़े कह रहे ये बस नहीं है ये रेलगाड़ी है ये रेलगाड़ी है ये रेलगाड़ी है, बात समझ गए क्या? पागल के साथ बेटा अपने को पागल बनना पड़ता है, ठीक है? तो इसलिए अपन भी पागल बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। तो क्या बोला है, किसका प्रयोग काय के लिए किया जाता है? खेत जोतने के लिए। तो बेटा खेत जोतने के लिए वास्तविक रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रैक्टर। पर वो ट्रैक्टर को क्या बोलता है? कार। तो अपन उसकी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? सरकार। बोलो क्लियर है क्या? एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो बेटा जल्दी से। क्या बोला बेटा? सर बेल्ट को मोजे, मोजे को रुमाल, रुमाल को जूते, जूते को टाई, टाई को पेन कहा जाता है। तो ये सबसे पहले पहले वाली चीजें बेटा। कौन सी वाली सर? पहली पहली वाली जो चीजें है ये क्या है सर? ये सब वास्तविक चीजें। क्या है? वास्तविक चीजें। पर वो क्या बोल रहा है बेटा? वो इसको अपनी लैंग्वेज में बता रहा है। अब उसने पूछा क्या है? पैरों को भारी चीजों से सुरक्षा। तो पैरों को भारी चीजों से सुरक्षा कौन देगा बेटा? जूते। और जूते को क्या बोलता है? वो टाई। तो आंसर क्या आएगा बेटा? टाई। ठीक है, कोई मोजे मत लगाना बेटा, मोजे सुरक्षा नहीं देते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में नए कॉन्सेप्ट के साथ, कोडिंग डिकोडिंग के। बेटा इसको बंद कर दो।